अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद का एक हाई लेवल डेलीगेशन आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिला। सभी राज्यों के गवर्नर्स और सांसदों से मिलने की इनकी योजना थी, जिसमें कि ये पहली मुलाकात किसी कैबिनेट मिनिस्टर से इनकी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बच्चन सिंह हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। आज पहली बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर से आपकी मीटिंग हुई है, किस तरह की बातचीत हुई और क्या आपको एश्योरेंसेज वहाँ से मिले? हमने जो हमारे श्री राम का मंदिर है, जो इतने दिन से कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है, उसके विषय में सभी सांसदों से, भारतवर्ष के राज्यपालों से हम मिल रहे हैं, राष्ट्रपति जी से भी मिले थे, तो सभी से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण का जो रास्ता है उसको जल्दी से कुछ निकाला जाए ताकि हमारा श्री राम का मंदिर बन सके। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपने तरफ से एक यूनियन मिनिस्टर होने के नाते आपको क्या एश्योरेंसेस दिए, किस तरह की बात? हर्षवर्धन जी ने कहा है कि हम आपकी बात संसद में रखेंगे। अच्छा, और किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलने का योजना कब है? अभी राष्ट्रपति जी से मिले थे, अभी 4 दिसंबर को राष्ट्रपति जी के पास भी गए थे। एक संतों का डेलीगेशन जो दिल्ली में तारागढ़ स्टेडियम में एक अखिल भारतीय संत सम्मेलन हुआ था, उनका डेलीगेशन भी वहाँ गया, वो भी बात अपनी पूरी रख के आया। अभी इसी क्रम में हम मीनाक्षी लेखी जी से पहले मिले हैं 2 दिन पहले, और आज राष्ट्रपति से मिले हैं। जैसे जैसे समय मिलता जाए सबसे मिलते जाएंगे, पूरे भारतवर्ष में सभी पार्टियों के सांसदों से मिलेंगे। 9 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली, 4 लाख भीड़ जुटाने की योजना है आपकी। 11 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, दबाव बनाने की कोशिश है सरकार? नहीं, ये दबाव बनाना नहीं है, तो जन आंदोलन है, जन जन की आवाज़ है, जन जन की भावना है, जन आंदोलन है, जन जन की आवाज़ है, जन जन की भावना है कि भव्य श्री राम का मंदिर को भव्यता क्यों नहीं दे पाए हम अभी तक, तो ये जल्दी से इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले। जो धर्मसभा होगी दिसंबर में, आने वाले दिसंबर में, उसके बाद क्या रूपरेखा हो सकती है, आगे का क्या योजना? जब तक हमारा राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रस्तुत नहीं होगा, ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। थैंक यू सर। अभिजीत ठाकुर, ईटीवी भारत, दिल्ली। सभी से मिल रहे हैं और अपना ज्ञापन दे रहे हैं और उनको आग्रह कर रहे हैं कि हमारी ये बात संसद में रखी जाए और इस व्यवधान को दूर करने के लिए, इस बाधा को दूर करने के लिए जो भी उचित तरीका या कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए। ये जो भी संसद या जो भी महोदय सांसद जो भी है, जो भी उचित समझेंगे वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ मतलब विशेष कोई चीज नहीं है। हर पार्टी के सांसद से मिलेंगे या बीजेपी के? कह रहे हैं कि वो राम मंदिर सभी सांसदों से मिलेगा। उधर ठाकरे जी अपना एक अलग वो है, थोड़ी सी है, वो अपने हिसाब से अलग पेश कर रहे हैं उससे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सरकार कानून लाएगी क्या? संसद का सत्र शुरू हो रहा है। देखिए, भगवान श्री राम जो है वो इस देश की आत्मा है, वो इस देश के प्राण है, मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है। अरे क्यों शोर मचाते हैं जी? बोलूंगा उसके बाद आप ना, तो अगर आपने जिद करनी है तो फिर ना मैं बिल्कुल जिद नहीं करेंगे सर। बस ऐसा भी इनकलाब जहाँ में हुआ नहीं, दिन हो गया और अंधेरा गया नहीं। आज अपने ही आशियाने में बुलबुल है बेवतन, सयाद के भी दौर में ऐसा हुआ नहीं। मित्रों, हमारे को प्रायोरिटी नहीं दी गई, हिंदुओं का हमेशा अपमान किया जा रहा है, तो ये राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करे सरकार, यही हमारी मांग है, यही हमारी जन आंदोलन हमारा यही है। सर, आज बीएसपी के प्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की और आपका समर्थन मांगा पिटीशन पे राम मंदिर। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के अभी हमारे जो सहयोगी साथी जो है वो मिलने आए हैं, उन्होंने अपनी भावना हमारे सामने रखी है। जहाँ तक भगवान श्री राम का प्रश्न है, वो इस देश की आत्मा है, वो इस देश के प्राण है, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है, वो सारी मानवता के लिए आदर्श है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो भावना है वो बहुत पवित्र है और उनकी जो भावना है वही हर भारतवासी की भी भावना है। उनकी भावना को पूरी सच्चाई के साथ जहाँ पर भी उन्होंने कहा उसको ज़रूर हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और भगवान श्री राम का जो काम है वो तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता, तो भगवान श्री राम से भी प्रार्थना करेंगे कि वो भारतवासियों को अपना संपूर्ण आशीर्वाद दें। ज्ञापन में लिखा है कि सरकार सर, आज बीएसपी के प्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की और आपका समर्थन मांगा पिटीशन पे राम मंदिर। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के अभी हमारे
जो सहयोगी साथी जो हैं वो मिलने आए हैं, उन्होंने अपनी भावना हमारे सामने रखी है। जहाँ तक भगवान श्री राम का प्रश्न है, वो इस देश की आत्मा है, वो इस देश के प्राण है, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है, वो सारी मानवता के लिए आदर्श है, भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो भावना है वो बहुत पवित्र है, और उनकी जो भावना है वही हर भारतवासी की भी भावना है। उनकी भावना को पूरी सच्चाई के साथ जहाँ पर भी उन्होंने कहा उसको ज़रूर हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और भगवान श्री राम का जो काम है वो तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता, तो भगवान श्री राम से भी प्रार्थना करेंगे कि वो भारतवासियों को अपना संपूर्ण आशीर्वाद दें। लेकिन उस ज्ञापन में लिखा है कि सरकार कानून लाए या फिर अध्यादेश लाए, ये सब थोड़ा सा जो भी जैसे आपने पहुंचा मोबाइल हाथ में रखना भाई, हाथ आप हाथ नीचे रखिए, आप हाथ नीचे रखिए। ये जो ज्ञापन है, ये जो ज्ञापन दिखा दो, जो 1528 से जो राम मंदिर आंदोलन चल रहा है, क्या कर रहे हो यार कैमरा? जोश माइक लाओ यार, थोड़ा कैमरा पीछे दे दो, आगे दे दो, मना कर दे भाई, माइक दो भाई, लेस बात रही है। ये मोनका जी है, अरे ये हमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बस हमें भाई पहले जगह तो मिले, फिर आप उधर फोटो ले लेंगे ना, मेरे को मीडिया बीच भी जाएगी सर, भाई नहीं नहीं जल्दी में नहीं है, अरे बाहर 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 यहाँ मत लेना, लो 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 डॉक्टर साहब बाहर है, हमें अरे नहीं दे रहे हैं अभी, नहीं जल्दी में दिख रही है छप्पर अभी नाम। सभी से मिले थे और अपना ज्ञापन दे रहे हैं और उनको आग्रह कर रहे हैं कि हमारी ये बात संसद में रखी जाए और इस व्यवधान को दूर करने के लिए, इस बाधा को दूर करने के लिए जो भी उचित तरीका या कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए। ये जो भी संसद या जो भी महोदय सांसद जो भी है जो भी उचित समझेंगे वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ मतलब विशेष कोई चीज नहीं है। हर पार्टी के सांसद से मिलेंगे या बीजेपी के कह रहे हैं कि वो राम मंदिर पर सभी सांसदों से मिलेगा। उधर ठाकरे जी अपना एक अलग वो है, थोड़े नीचे है वो हमारे हिसाब से अलग पेश कर रहे हैं उससे। डॉक्टर साहब ऊपर देख लो, डॉक्टर साहब सरकार कानून लाएगी क्या, संसद का सत्र शुरू हो रहा है। देखिए भगवान श्री राम जो है वो इस देश की आत्मा है, वो इस देश के प्राण है, अरे क्यों शोर मचाते हैं जी, बोलूंगा उसके बाद आप ना, तो अगर आपने जिद करनी है तो फिर ना मैंने बिल्कुल जिद नहीं करेंगे सर, बस नाम दीजिए सर। आई बीएसपी के प्रतिनिधि ने आपसे मुलाकात की और आपका समर्थन मांगा पिटीशन पे राम मंदिर, देखिए कानून लाइक सर विश्व हिंदू परिषद के अभी हमारे जो सहयोगी साथी जो हैं वो मिलने आए हैं, उन्होंने अपनी भावना हमारे सामने रखी है। जहाँ तक भगवान श्री राम का प्रश्न है, वो इस देश की आत्मा है, वो इस देश के प्राण है, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है, वो सारी मानवता के लिए आदर्श है, भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो भावना है वो बहुत पवित्र है, और उनकी जो भावना है वही हर भारतवासी की भी भावना है। उनकी भावना को पूरी सच्चाई के साथ जहाँ पर भी उन्होंने कहा उसको ज़रूर हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और भगवान श्री राम का जो काम है वो तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता, तो भगवान श्री राम से भी प्रार्थना करेंगे कि वो भारतवासियों को अपना संपूर्ण आशीर्वाद दें।